हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक अगेन इन आर न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो जो हम लेने वाले हैं, आपने थंबनेल और टाइटल से पता कर ही लिया होगा। जी बिल्कुल सही। तो आज की वीडियो जो होने वाली है वो होने वाली है हमारे थंडर 4 के बीच में। इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, क्या डिफरेंस आता है, क्या फ़र्क है, प्राइस का कितना डिफरेंस है, क्या क्या चेंजेस इसके अंदर और क्या फ़र्क कितना आता है दोनों हेलमेट्स के बीच में। अगर नाम के साथ देखा जाए तो बिल्कुल इस तरीके से काम करता है MT Thunder 4 एंड MT Thunder 3, थंडर 3 प्रो एंड 4SV। तो क्या हुआ, 3 और 4 का फर्क है, नाम भी दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही रहता है कि थंडर 3 है, थंडर 4 है। तो आज उस चीज़ को कवर करेंगे, सारे डिटेल में बात करने वाले हैं, क्या प्राइसिंग का डिफरेंस। मैं देखो मेन चीज़ क्या प्राइसिंग का डिफरेंस के लिए बोल रहा है, क्योंकि दोनों में फ़र्क कितना आ रहा है, क्योंकि 4 और उसके प्राइस में फ़र्क दिखना चाहिए, क्योंकि वो ऊपर के मॉडल्स में आ रहा है और वो मिडिल के सेगमेंट के मॉडल के अंदर आ रहा है। तो उसी चीज़ पर आज पूरी बात करेंगे और आपको सारा फ़र्क बताएंगे, सारा डिफरेंस बताएंगे। तो कोई भी अगर कन्फ्यूजन में है तो भाई आज क्लियर हो जाएगी, और कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स पूरा आपका ही है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को और मिलेंगे आपसे फ्रेम चेंज करके, कैमरा एंगल चेंज करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी दोनों हेलमेट रखे हैं हमारे सामने, दिस इज़ थंडर 4SV एंड दिस इज़ थंडर 3 प्रो। तो थंडर 3 और थंडर 4, अब दोनों लुक्स देखिए, पहले ओवरऑल लुक्स पे पहले बात करते हैं कि लुक्स के साथ जो डिफरेंस आ रहा है वो किस तरीके से है। तो पहले लेते हैं थंडर 4 को। तो थंडर 4 के अंदर कुछ कुछ जो मेजर चीज़ आपको डिफरेंस दिखने वाले हैं वो बात कर लेते हैं। जैसे आपको लॉक दिख रहा होगा, थोड़ा लुक्स, डिज़ाइन, ग्राफिक्स का फ़र्क आ जाता है। फ्रंट मिरर का, यानी हमारा वाइज़र, ये पीछे का बैक एरिया है, थोड़ा सा उठा के दिखा देता हूँ आपको मैं। तो ये पीछे का बैक एरिया थंडर 4 का, ये साइड एरियाज हो गए, पैंट्स हो गया, वाइज़र, डुअल वाइज़र हेलमेट है दोनों में से। बहुत चीज़ कॉमन ये है कि डुअल वाइज़र हेलमेट है दोनों, ठीक है। और आज को एक प्लस पॉइंट भी बताएंगे, डुअल वाइज़र हेलमेट का केयर कैसे रखना होता है आपको। एंड ये है हमारा थंडर 3, देख सकते हैं आप, ठीक है। ओवरऑल लुक आपने चेक कर लिया, ऊपर से लुक देख सकते हैं, ये पूरा इसलिए दिखा रहा होगा आपको, फ़र्क पता लगनी चाहिए ना सामने से, गए कि फिज़िकल चीज़ में डिफरेंस क्या आ रहा है इतना, ठीक है। ये पीछे का स्पॉयलर या DRS भी कह सकते हैं आप इसको, वैसे टेक्निकली वर्ड में DRS है, ड्रैग रेसिंग सिस्टम, बट आप इसे स्पॉयलर भी कह सकते हैं ईजी करने के लिए। तो इसका अगर पीछे से लुक देखेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये कुछ पीछे से इस तरीके से लगता है, एंड इस पर आप MSI का ग्राफिक दे रखा है। तो ये इसका शेल डिज़ाइन है, इसका शेल ओवल है, थोड़ा सा ओवल साइड पर है। तो इसकी जो फिटिंग है बहुत अलग आती है, और इसकी फिटिंग भी बहुत नेक्स्ट लेवल, एकदम कंफर्टेबल फिटिंग रहती है जो भी हमने यूज़र्स को दिखाया है ये। तो अब बात कर लेते हैं कि सामने से कैसा विज़न रहेगा इसका, बात कर लेते हैं। अंदर से कुछ इस तरीके से होने वाला है, ये जो पर्टिकुलर विज़न है कुछ इस तरीके से आएगा आपका। सनवाइज़र के साथ आते हैं हेलमेट, की दोनों हेलमेट सनवाइज़र के साथ आते हैं, और आपका इजी ग्लास फिट है। मोस्टली सारे हेलमेट्स जो हमारे MT के, वो इजी ग्लास फिट ही रहेंगे आपके। और ये कुछ इस तरीके से विज़न मैंने आपको दिखा दिया है यहाँ पे। और अब बारी आती है थंडर 3 की। तो थंडर 3 जो खुलता है वो साइड से खुलता है, आपको यहाँ से पकड़ के ऊपर वाइज़र उठाना पड़ता है। और थंडर 3 का वाइज़र और उसका जो ये नोज़ गार्ड है कुछ इस तरीके से, सामने आप देख सकते हो, उधर डार्क है तो थोड़ा सा अभी कलर मतलब बढ़ जाएगा वीडियो का। तो इसमें भी आप इजीली सर आपका स्पेक्स पहन सकते हो, जितने भी राइडर स्पेक्स पहनते हैं उस तरीके से आएगा कुछ। तो इसके सनवाइज़र की बात कर लेते हैं। तो ये इसका सनवाइज़र है, डिफरेंस आप देखते रहना, आपको खुद ही पता लग जाएगा। थोड़ा सा लाइट में ले लेते हैं इसको। तो ये इसका जो है इसका सनवाइज़र है, तो इसका सनवाइज़र अलग है और थंडर 4 का सनवाइज़र अलग आता है, ठीक है। इसको भी नीचे कर देते हैं बाय हैंड्स ऑन कंपैरिजन के लिए। तो इसका जो सनवाइज़र है वो कुछ इस तरीके से, इसका सनवाइज़र भी बड़ा है और थोड़ा अलग डिज़ाइन का है वो। इसका सनवाइज़र भी अपने स्टाइल के हिसाब से बड़ा है बट इसका डिज़ाइन अलग है। तो ये कुछ इस तरीके से दोनों में सनवाइज़र आएंगे आपके, दोनों के लुक्स में फ़र्क है, दोनों के विज़न में फ़र्क है, ठीक है। दोनों सनवाइज़र हेलमेट तो इस तरीके से आएंगे, दोनों हेलमेट में आपको स्पीकर पॉकेट्स का स्पेस मिल जाता है, लेकिन डिफरेंस जो आएगा वो आएगा पैडिंग्स का। तो पहली चीज़ लेंगे ली अपने सनवाइज़र के अंदर डिफरेंस, और दूसरा आएगा पैडिंग का। तीसरी चीज़ हमने जो बताया आपको शेल के हिसाब से बताई, देखो शेल का भी बहुत बड़ा गेम होता है, शेल का, डिज़ाइन का। अब ये है अपने थंडर 4 की पैडिंग। तो ये लेज़र कट पैड्स हैं, और इसमें आपको पीछे रिफ्लेक्टर मिलेगा आपको, साइड में जो है MT के लोगो, MT की ब्रांडिंग में भी आपको जो है यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स मिल जाएगा। इसमें जो आता है वो आता है आपका क्विक रिलीज रैचेट,
आपने देखा होगा मोस्टली, जो इजी टू रिमूव रहता है। तो काफ़ी लोगों को कोई डाउट रहता है कि भाई ये वाला जो लॉक है इजीली खुल जाए या फिर मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों ही जो लॉक होते हैं वो टेस्टेड होते हैं अच्छे से, और टेस्ट होने के बाद ही हेलमेट्स में लगते हैं। बस डीरिंग को फर्स्ट प्रायोरिटी पे इसलिए रखा है, प्रोफेशनल ट्रैक रेसिंग के लिए अगर आपको हेलमेट चाहिए तो उसके अंदर आपका डबल डी ही अलाउ करेंगे, ना कि क्विक रिलीज। तो ये इसका इंटीरियर है। पैडिंग का डिफरेंस मैंने जो बताया आपको, इसमें आपको मिलेगा क्विक रिलीज सिस्टम। तो इसका बेनिफिट क्या होता है, इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट या फॉल, आप दोनों पैडिंग रेड जो स्ट्रिप्स हैं इनको पकड़ के पूरा खींच के पैडिंग को आउट कर सकते हैं, और राइडर का सर इजीली निकाल सकते हैं हेलमेट से फॉर हिज सेफ्टी पर्पस। तो अंदर का इंटीरियर की बात कर ले तो ऊपर से पैडिंग दिखाता हूँ आपको। इसकी जो पैडिंग है वो बहुत डिफरेंट रहेगी, इसका पैडिंग का जो मटेरियल वो आपको थोड़ा सा कूल डाउन रखने में हेल्प करेगा, ठीक है। अगर काफ़ी ज़्यादा गर्मी होगी तो थोड़ा कूल डाउन रखता है, कुछ इस तरीके से बना होता है, आप देख सकते हो। ये हो गई थी पैडिंग की बात। रिमूवेबल वॉशेबल पैडिंग दोनों ही है, दोनों रिमूव हो जाते हैं, बता चुका हूँ आपको। और स्पीकर पॉकेट्स का स्पेस दोनों के अंदर मिलेगा। अब बात कर लेते हैं थंडर थ्री की पैडिंग्स की, बात कर लेते हैं थंडर थ्री की पैडिंग की। तो ये थंडर थ्री की पैडिंग है, आप देख सकते हो थंडर थ्री की पैडिंग को कुछ इस तरीके से है। इसमें आपको मिलता है डबल डीरिंग लॉक, इससे पहले अभी ये भी रैबिज रैचेट के अंदर ही आ रहा था, यानी क्विक रिलीज लॉक के साथ आ रहा था, लेकिन अब इस पर डबल डी हो गया आप सभी की डिमांड की वजह से, कि काफ़ी लोगों ने भाई बोल के कि भाई इसमें जो है हमें डबल डी ही, दो डबल डी प्रायोरिटी होनी चाहिए, तो डबल डी लॉक इसके अंदर आ रहा है। बाकी मोस्टली इंडियन मार्केट्स के अंदर क्या होता है कि सब बोलते हैं नहीं भाई हमें क्विक रिलीज चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग क्विक रिलीज दिया होता है। तो अभी इसके अंदर आप देख सकते हो कि पैडिंग है कुछ इस तरीके की है, पैडिंग इसकी भी बहुत कंफर्टेबल है, लेकिन क्या देखो थंडर फोर इसके अंदर कंपैरिजन रहेगा पैडिंग का। ये इसका चिन कर्टेन है, और ये लाइनिंग है, हेड लाइनिंग है इसकी। अब देखो डिफरेंस ये क्यों आता है, देखो प्राइस के अंदर फ़र्क है तो ऑब्वियसली मटेरियल्स के अंदर भी फ़र्क आएगा, बट हेलमेट का जो शेल है वो बना हुआ आपका पॉलीकार्बोनेट से ही है। तो ये कुछ इंटीरियर है, दिखा दिया मैंने आपको, ये कुछ इस तरीके दिखता है। तो पैडिंग का डिफरेंस आएगा, पैडिंग के डिफरेंस में आप देख सकते हो कितना ज़्यादा फ़र्क है। और इसका चिन कर्टेन नहीं दिखाया था, इसका चिन कर्टेन दिखा देते, ये इसका चिन कर्टेन है, जिस पैडिंग को बना हुआ उसके हिसाब से आएगा। लॉक्स पे बात कर लेते हैं, आ जाता है लॉक्स पे, तो उनको बंद कर देता हूँ पहले मैं। अब बात करते हैं लॉक्स पे, तो ये देख सकते हैं ये है हमारा काइनेटिक मैकेनिज्म, ये इसी हेलमेट में है अभी तक ओनली थंडर फोर में। तो इसको जो है आप बहुत इजीली रिमूव कर सकते हैं, ये नई चीज़ है, तो आपने सिर्फ खाली पटनी से पुश करना है, आप इसे बाहर निकाल सकते हो, और वापस से बंद करने के लिए आपने क्या करना है, इसे डाला और बंद कर दिया, तो उसका वाइजर आपका प्रॉपरली फिक्स हो जाएगा। जब तक वो दबेगा जब तक वो आउट नहीं हो सकता, वो फिक्स हो जाता है अंदर, लॉक हो जाता है, ठीक है। तो एक चीज़ ये नहीं इसके अंदर आपको मिल जाएगी वही, लेकिन हमारे थंडर थ्री के अंदर जो है वो पुराना वाला ही लॉक चलता है, रैचेट, इसको भी रैचेट ही बोलते हैं। तो इसमें क्या करना होता है, इसमें आपने जैसे ऊपर करना होता है, इसमें आपने जैसे ऊपर करा तो आपको ये पुल करना पड़ेगा, उसका पूरा सिस्टम खींचना पड़ेगा, आपको वाइजर को बाहर निकालना पड़ेगा, तब वो फिक्स होगा। तो ये कुछ इस तरीके से रहता है, लेकिन इसमें आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। और डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं, सर्टिफिकेशंस भी मेन है। देखो मटेरियल दोनों पॉलीकार्बोनेट रहेंगे आपके, और डिफरेंसेस की बात करें तो पहले मैं बताया था आपको, इसमें मिलती है आपको शार्प सर्टिफिकेशन 4 स्टार्स, इसके बाद इसमें आपको मिलेगा यूरोप सर्टिफाइड, टीओटी सर्टिफाइड एंड आईएसए सर्टिफाइड, 4 कंट्री सर्टिफिकेशन आपको इसके अंदर मिलने वाली है। वही थंडर फोर पर आ जाता है, थंडर फोर के अंदर क्या डिफरेंस आएगा, थंडर फोर के अंदर आपको मिलेगी यूरोप की लेटेस्ट सर्टिफिकेशन विच इज़ R22.06, यूरोप सर्टिफाइड आपका लेटेस्ट सर्टिफिकेशन के साथ, प्लस आपको DOT मिलेगी, ISI मिलेगा, 3 कंट्री सर्टिफिकेशन, इसमें शार्प सर्टिफिकेशन नहीं आती है। रीज़न बता देता हूँ, क्योंकि हेलमेट जो ये नया है तो इसमें भी शार्प सर्टिफिकेशन नहीं हुई है, वो होनी बाकी है। और ISI सर्टिफाइड सारे MT हेलमेट्स आपको मिल जाएंगे, सारे ISI सर्टिफाइड है जेन्युइनली, ठीक है। तो ISI सर्टिफिकेशन पास है, और इसके अंदर यूरोप का जो लेटेस्ट सर्टिफिकेशन है वो काफ़ी बखूबी अच्छे से काम करता है अपना। और एक चीज़ बताता हूँ आपको, लेटेस्ट सर्टिफिकेशन यूरोप का मिल जाएगा, लेकिन उसमें जो सर्टिफिकेशन है वो आपकी यूरोप की पहले वाली ही है, इट्स नॉट द लेटेस्ट वन। तो हरी प्रोडक्ट का एक अलग अलग चीज़ है, तो दिस इज R20.05, और उसका पीछे अगर बैक में आपको मैं दिखाऊँ, सो दिस इज R22.06। तो दोनों हेलमेट्स का अपना बिल्कुल बखूबी अलग तरीके से है। अब डिज़ाइन मैंने जैसे बात करता था स्टार्टिंग में आपको मिल रहा डिज़ाइन, तो देखो डिज़ाइन और कलर स्कीम की भी पैसे होते हैं हेलमेट के अंदर, उसका डिज़ाइन डिफरेंट है, इसका डिज़ाइन डिफरेंट है, तो प्राइसिंग का ऑब्वियसली डिफरेंस रहेगा। तो प्राइसिंग के बारे में इतना बात ही कर रहा था, आपको बता देता हूँ कि प्राइसिंग दोनों के बीच में क्या रहेगी। थंडर थ्री जो है ये हमारा थंडर थ्री प्रो ये 6,800 रुपये का रहेगा, और थंडर फोर हमारा जो है वो रहेगा 12,950, यानी 12,950, 12,950 का थंडर फोर है, थंडर थ्री
आपका 6800 का है। कुछ भी अगर पॉइंट्स रहते हैं तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हो, मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, नीचे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल बार शो हो रहा है आपको कि क्या भाई ऐसा क्यों है, क्या डिफरेंस है, तो मैं आपको अच्छे से और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा वो चीज़। अब काफ़ी लोग कहते हैं भाई एमटी पॉलीकार्बोनेट से नहीं बना हुआ है, डिफरेंस है, क्योंकि एमटी ने क्या है ना कुछ हेलमेट्स के अंदर आपका HIRP मेंशन कर रखा है, मैं दिखा देता हूँ, कुछ कुछ हेलमेट्स पर मेंशन है, कुछ पर नहीं है। तो हाई इंपैक्ट रेजिस्टेंट पॉलीमर, देखो क्या होता है, जो मोस्टली मटेरियल्स आते हैं ना हेलमेट्स के अंदर वो पॉलीकार्बोनेट फाइबर ग्लास, कार्बन फाइबर, ABS प्लास्टिक, ये अलग अलग तरह के मटेरियल चलते हैं, ठीक है। तो पॉलीकार्बोनेट से मोस्टली MT हेलमेट्स बनते हैं, तो पॉलीमर कोई ऐसा मटेरियल तो है नहीं जिससे हेलमेट बने आपका, तो वो एक टेक वर्ड है MT ने अपने लिए जो स्पेसिफाई करा है कि हाँ भाई दिस इज़ HIRP के हाई इंपैक्ट रेजिस्टेंट पॉलीमर जो है आपका हेलमेट है इस तरीके से, तो उन्होंने इस तरीके से इसको बोला है। तो काफ़ी लोगों के मन में र्यूमर आ रहा है कि भाई ये तो पॉलीकार्बोनेट से नहीं बने हुए, ये नहीं बने हुए, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो पॉलीकार्बोनेट शेल से बने होते हैं। लेकिन देखो एक चीज़ को दिखाने का, एक प्रेजेंट करने का एक वे होता है, तो उस चीज़ से प्रेजेंट करने के लिए वो चीज़ है। सेकेंड थिंग पर बात कर लेते हैं, आपके लिए प्रो टिप बता देता हूँ। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, जैसे हेलमेट लिया, मैं ओपन करता हूँ इसे, क्या करते हैं ऐसे सनवाइजर डाउन है या फिर इसको हाथ से नीचे खींच लेंगे, हाथ से ऊपर कर देंगे, तो उसमें क्या फ़र्क आ जाता है कि भाई आपका जो सनवाइजर का जो प्लेसमेंट होता है ना मैकेनिज्म का, वो आउट हो जाता है वहाँ से। आउट होने से क्या होता है, या तो ये आपका फ्री हो जाएगा, ठीक है, स्लाइडर, या फिर आपका ये जो सनवाइजर है ये अटक जाएगा, ये ऊपर नीचे नहीं होएगा, बीच में कहीं ना कहीं स्टक हो जाएगा, कहीं से लॉक टूट जाएगा उसका। वो इसी वजह से होता है कि आप अपने हाथ से कर रहे हो कोई चीज़, अगर उसके उससे ऊपर नीचे करने के लिए बनी हो उसको, मतलब स्लाइड साइड डाउन स्लाइड अप करने के लिए बनी, तो आप कोशिश से करो, आप वैसे हाथ से करते हो तो क्या होता है वो प्लेसमेंट बिगड़ जाते हो, खराब होता है, फिर आप कंप्लेन करते हो। नॉट ओनली MT हेलमेट्स, इवन AGV जैसे हेलमेट के साथ हो, बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ भी सनवाइजर खराब हो जाता है, क्योंकि आप उसे हाथ से मैनुअली ऊपर नीचे कर देते हो तो वो खराब हो जाता है। तो आप ऐसा ना करो तो आपका सनवाइजर अच्छे से चलेगा, और केयर करके रखो हेलमेट की तो बहुत सही रहेगा। दोनों हेलमेट्स के साथ सेम कंडीशन है, इवन सभी हेलमेट्स का दिया, अगर आप केयर से यूज़ करोगे, बड़े प्रिकॉशन के साथ यूज़ करोगे, तो कोई भी इशू नहीं आने वाला है आपको इस चीज़ के अंदर। तो पहली चीज़ ये हो गई। तीसरी चीज़ और बता देता हूँ, काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि भाई ये हेलमेट है काफ़ी ज़्यादा बड़े लग रहे हैं बॉडी पे, मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है, अजीब तो नहीं लगेगा, लोग क्या क्वेश्चंस करेंगे, क्या होएगा क्या नहीं। देखो किसी से कोई मतलब ऐसे नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन क्या होता है कि देखो जो हेलमेट आपको सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा ना, ऑब्वियसली उसके अंदर प्रोटेक्शन के लिए उतनी चीज़ें डालनी पड़ती हैं, तो इसलिए कह रहे उसका साइज़ बड़ा हो जाता है। इवन रोड पे अगर कोई भी, अगर वो नॉर्मल पर्सन आपको बोल भी रहा है, कोई भी अगर कॉमन पर्सन आपको बोल रहा है, कोई फ्रेंड बोल रहा, कोई भी कह रहा हो कि भाई आपकी बॉडी से बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है हेलमेट, ये क्या पहन लिया आपने, क्या कर लिया। देखो आप हर किसी को ना एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि भाई प्रोटेक्शन है तो सबसे बड़ा है क्या चीज़ है, तो वही बात है कि आपको पता है बिकॉज यू नो दैट, तो आप सामने वालों को इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे भाई बड़ा क्यों है, क्योंकि आपको अपनी लाइफ पे फोकस रखना है, आपकी लाइफ सेव होनी चाहिए, मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि आप भी इस चीज़ में बिलीव करो। तो ये दोनों तो फर्क, प्राइसिंग का डिफरेंस बताते हैं, ये 6800 का है, वो 12950 का है, डिज़ाइन में फ़र्क है, सर्टिफिकेशन पर डिफरेंस है, पैडिंग्स का डिफरेंस है। देखो पैडिंग्स का भी सबसे बड़ा रोल होता है, पैडिंग्स का प्रीमियम, क्योंकि पैडिंग इसकी ज़्यादा प्रीमियम है, उसकी भी प्रीमियम है, लेकिन इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से इसकी अपनी पैडिंग बहुत प्रीमियम है अपने प्राइस सेगमेंट के हिसाब से, तो प्राइस सेगमेंट का रोल बहुत अलग चीज़ है। कुछ भी अगर चीज़ रह जाती है, कुछ भी अगर पूछना चाहते हो तो आप कमेंट डाउन करो, अगेन इंस्टाग्राम पर पूछो, कुछ अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ पर वीडियो बनवानी है तो आप उस पर कमेंट डाउन करो, मैं बता दूंगा और वो वीडियो बन जाएगी। तो होप करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो आपने क्या करना है, वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, इस वीडियो को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि जो भी कोई कन्फ्यूजन में रहता है हमेशा कि भाई थंडर 4 लेना है या लेना है थंडर 3, तो भाई उनकी कन्फ्यूजन टोटली दूर हो जानी चाहिए, उनको पता लगना चाहिए क्या डिफरेंस है क्या नहीं है। मैंने थोड़ी सी वीडियो लंबी बनाई जानबूझ के, किसी आपको पूरा पता लगना चाहिए कि क्या डिफरेंसेज है, अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करा है, कुछ रह गया तो उसके लिए सॉरी, आप बता देना, मैं ऐड ऑन कर दूंगा, मैं कमेंट में बता दूंगा, कोई भी अगर छोटी मोटी चीज़ रह जाती है तो कमेंट बॉक्स पूरा आपका ही है। इंस्टाग्राम की आईडी आपको नीचे शो ही हो गई होगी, और नहीं हुई है तो पीछे वीडियो को बैक करके देख लीजिए, कोई भी पॉइंट अगर मिस कर दिया आपने स्किप करने के चक्कर में तो उसे बैक से जाके देख लीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय, सी यू सून, साइनिंग ऑफ प्रशांत वैद, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके बाद।